ये वतन परस्ती है। इस वतन परस्ती के मजहब की एक नमाज भी है, तिराना हो रहा है तो खड़े हो जाओ, कुनूत, खड़े हो जाना इबादत का हिस्सा है। उसका झंडा सलामी दो, ये वतन के माबूद के रिचुअल्स हैं, मजहब वतनियत। इसीलिए इकबाल ने कहा था, इसको समझा नहीं किसी ने भी, इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रविशे लुत्फ सितम और, तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और। आज का सनम, आज का बुत कौन है? तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। खुदा परस्ती, ये वतन की लकीर से तुम और हो गए, मैं और हो गया लकीर, इंसानियत मुनकसिम, जो तुम्हारे वतन के लिए ठीक है वो तुम करोगे चाहे वो अखलाकन गलत, और जो मेरे वतन के लिए ठीक है वो मैं करूंगा चाहे अखलाकन गलत। ये कौन सा दीन है जहां तो वतन तुम्हारा माबूद बन गया। पाकिस्तान में बड़ा शोर उठा था जब मैंने कहा था कि झंडे को सलामी देना शिर्क है और तराने के वक्त खड़ा हो जाना शिर्क है। और मैं कभी भी तकरीबात में जाता हूं, इकबाल डे हो रहा है, कुछ और हो रहा है, मैं उन तकरीबात का मुकर्रर नहीं हूं, लेकिन जब बहुत जोर देते हैं चला जाता हूं, लेकिन वहां तराना पड़ा जाता मैं बैठा रहता हूं, मैं खड़ा नहीं होता। और उस पर चेमेगोइयां होती हैं अखबारात के अंदर, लेकिन मेरे नजदीक ये वतन की नमाज पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारा ये कुनूत और वतन का तराना, उसमें हमद हो रही है वतन की, ये क्या है? आज के दौर का बदतरीन शिर्क, शिर्क फिल मोहब्बत,